हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। आज के दिन में अगर बात करें तो मार्केट जो रहा काफ़ी वॉलेटाइल रहा, और एट एंड ऑफ द डे निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0.40% की करेक्शन के साथ में आज अपनी क्लोजिंग दी। हालांकि अडानी पावर पे मार्केट ओपनिंग के टाइम ही एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है आज के दिन में देखने को मिली और 2.55 रुपये की गिरावट के साथ 276.60 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग जो थी वो गैप अप थी, ऑलमोस्ट 82 के अराउंड जो है ओपनिंग रही। उसके बाद जो है स्टॉक सीधा नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और क्लोजिंग जो है प्रीवियस क्लोजिंग से 2.5 रुपये नीचे जाके दी है। 5 दिन के अंदर 7.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। 1 महीने के अंदर अगर बात करूं तो 16.5% के आसपास तक की तेजी स्टॉक में हम देख चुके हैं। ये वाली जो तेजी थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ये वाली जो तेजी देखने को मिली कि जब से जो है यहाँ पे सीबी ने, यानी कि एक तरीके से अगर देखें तो NSE और BSE ने जो इसकी प्राइस बैंड लिमिट जब से इंक्रीज करी, तो अडानी पावर के अंदर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और कहीं ना कहीं एक अच्छे मोमेंटम की कोशिश जो है दोबारा से अडानी पावर में बनती हुई नजर आई। हालांकि 6 महीने का डाटा देखेंगे आप, अभी भी 11% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो थोड़ा सा रिस्की मैं कह सकता हूं स्टॉक को, और उसके पीछे की वजह है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो डेप्ट है वो भले ही 10-20 साल तक पड़ा रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके चलें 1% का, अगर सिनेरियो भी लेके चलें कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव लेके चलना स्टॉक से रिलेटेड, तो डेप्ट जो है मोस्टली वो सबसे ज़्यादा बड़ा एक खतरा मान सकते हैं आप अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर। 1 साल की परफॉर्मेंस 1.25% के आसपास नेगेटिव है, 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1400% के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है कंपनी, और 440 रुपये के आसपास का ये हाई लगाने के बाद स्टॉक 140 के आसपास इस लेवल पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया, और वहां से दोबारा से रिकवरी जो है अडानी पावर शेयर के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करूं तो 168% के ही रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अडानी पावर ने अभी तक के अपने मैक्सिमम रिटर्न्स में। आज के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम रहा आज का ऑलमोस्ट 42 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो है आज के दिन में अडानी पावर में हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ में अगर हम वॉल्यूम देखें तो देखिए एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है 47 लाख, 1 CR, 99 लाख, 75 लाख, तो बहुत ही हैवी क्वांटिटी में वॉल्यूम जो है लगातार हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 75% बाय की तरफ इशारा है, 19% सेल एंड 6% ओनली जो है होल्ड की तरफ रिकमेंडेशन जो है हमें अडानी पावर के अंदर देखने को मिल जाती है। अडानी पावर का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। रिटर्न ऑन कैपिटल 15.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 44% के आसपास की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का स्टेक रहा एज इट इज रह रहा है, अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं काफ़ी टाइम से। FII का स्टेक जो है वो डिक्रीज हुआ, म्यूचुअल फंड्स का स्लाइटली इंक्रीज हुआ, और पब्लिक का स्टेक भी हमें जो FII ने जो स्टेक बेचा वो सारा का सारा पब्लिक ने कैप्चर कर लिया है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का एक अच्छा खासा प्रॉफिट साथ में लर्निंग अगर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप डेली का प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ज्वाइन करके आप जो है परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, और साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट सपोर्ट भी मिलेगा। बात अगर अडानी बिलमार की करें तो उसके अंदर भी आज थोड़ी सी गिरावट रही, 4.5 रुपये के आसपास की गिरावट, 425 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर से ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास तक की करेक्शन स्टॉक में हो भी चुकी है, क्योंकि अगर 5 दिन का डाटा देखेंगे तो 3% की गिरावट, 1 महीने में 9% के आसपास का उछाल है, क्योंकि जब ऊपरी स्तर से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ तो 400 रुपये के रेंज में आके सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। अब देखिए वही चीज़ मैं कह रहा था कि ऊपरी स्तर से 6 महीने के अंदर 33% की गिरावट हो चुकी है, 1 साल का डाटा देखेंगे तो 31.69% का गिरावट है, जबकि हालांकि 2022 के अंदर इसका IPO आया था, और यहां पे देखिए 840 के अराउंड का हाई लगाने के बाद स्टॉक में 400 के आसपास आके सपोर्ट लिया है, और अडानी बुलमार की भी लिमिट जो है यहां पे NSE BSE की तरफ से इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। अडानी बिलमार्क का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55,000 करोड़ के आसपास का, रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.90% है, और FMCG सेक्टर की काफ़ी कमाल की कंपनी है, और परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें उसके अंदर देखने को मिल रहा है।
प्रमोटर का स्टेक देखें तो एज इट इज है 87.94 का। एफआई का स्टेक डिक्रीज हुआ, म्यूचुअल फंड्स का स्टेक डिक्रीज हुआ और पब्लिक का स्टेक जो है क्वार्टर फोर के अंदर हमें अडानी बिलमार के अंदर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। तो लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है, अडानी बिलमार अच्छा शेयर है एफएमसीजी सेक्टर का और लॉन्ग टर्म में ऐसे सोच चुकी। तो 2022 में ही कंपनी इसका आईपीओ लेके आई थी, लिस्टिंग आपको पता कि 215 के अराउंड हमें 215 रुपए के आसपास का इसका आईपीओ प्राइस था और उसके बाद से 800 रुपए तक का सफर लगाया और एक ही साल के अंदर करेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं SBC एक्सपोर्ट की, जिसके अंदर आज 1.5% के आसपास की गिरावट रही क्योंकि मार्केट का जो मूड था वो भी नेगेटिव ही था। 20.75 रुपये पे स्टॉक क्लोज रहा आज के दिन में। 6 महीने में 30% की तेजी है, एक साल का डाटा देखेंगे तो 277% के रिटर्न्स हैं। 2022 के अंदर ही इसी कंपनी का जो है आईपीओ आया था 90 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक का लिस्टिंग प्राइस और 180 की रेंज में जाकर स्टॉक स्प्लिट हुआ। 5 रुपये के आसपास से स्टॉक भागना स्टार्ट किया दोबारा से और 20-22-23 रुपये तक स्टॉक आ चुका है। पर्सनली मैं खुद इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ हूँ स्टॉक में, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मैं कहूंगा क्योंकि एक पैनी शेयर है। अब बात कर लेते हैं गुलशन पॉलिस लिमिटेड की, जिसके अंदर आज 3% के आसपास का उछाल रहा। 280 रुपये पे जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 24% के रिटर्न्स हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे इस कंपनी के तो 563% के रिटर्न जो है कंपनी ऑलरेडी बनाकर दे चुकी है। और ऐसे में बोनस का अपडेट जो है कंपनी की तरफ से आ चुका है 1:5 के रेशियो का, यानी कि 5 शेयर्स के बदले आपको एक एक्स्ट्रा शेयर्स बोनस के तौर पर इस कंपनी का मिलने वाला है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं।